तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ध्रुव कुमार विक, आप देख रहे हैं कुमार टेक्नोलॉजी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई प्लान लिया हो, कोई आपने इंटरनेट का प्लान लिया हो और आपको तो उस बंदे ने बताया कि आपको इसमें 80 Mbps 40 Mbps आपको मिलेगा इसमें इंटरनेट, लेकिन आप जब घर पे आए हो और आपको लगा हो कि यार इतना अच्छा नेट है यार, इसको ये कुछ डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। मैं तो सोच रहा था 80 MB/s के हिसाब से डाउनलोड हो जाना चाहिए अभी तक मेरी गेम, तो ये डाउनलोड क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे कुछ काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि क्या जो आपको बताया जाता है कि इतने Mbps का आपको ये इंटरनेट देंगे, आपको इतने Mbps का आपको वाईफाई देंगे, कोई भी आपको कंपनी ऑफर करती है, तो क्या वो उतने Mbps का होता है। आज आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर होने वाले, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। तो जल्दी से अपनी वीडियो पर चलते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। जब भी हम किसी इंटरनेट कंपनी के पास जाते हैं, हम किसी भी कनेक्शन लेने के लिए जाते हैं, चाहे वो वाईफाई का हो, चाहे वो हमारी हमारा कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन हो, तो एक्चुअल में होता क्या है कि उसमें दो टर्म्स यूज होती हैं, एक Mbps और एक Mbps। आप दोनों में फर्क समझ गए होंगे। MB ये वाला कैपिटल है, ये वाला स्मॉल है। इसमें काफी लोगों के मन में ये होगा कि यार इसमें क्या फर्क है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि एक होता है बिट्स और एक होता है बाइट्स। जितने भी नेटवर्क हमारे होते हैं, नेटवर्क कनेक्शन होते हैं, उन्हें हम नापते हैं, जो उसको हम मेजर करते हैं वो करते हैं बिट्स में। लेकिन जितना भी हम जो हमारी फाइल्स होती है, हम अपने जो है फोन्स में जितनी स्टोरेज होती है, जितनी बड़ी हमारी कोई भी फाइल होती है, उसे हम नापते हैं बाइट्स में। तो दोनों में यहाँ पे फर्क है। तो दोनों में क्या फर्क है यहाँ पे हम एक बार जान लेते हैं। एक्चुअल में जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है वो Mbps पे चलता है। मतलब काफी लोग यहाँ पे सोचते हैं कि Mbps, पर वो Mbps नहीं होता, वो Mb एक्चुअल में मेगा बिट्स होता है, बाइट्स नहीं होता। बिट्स यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कुछ भी मेजर करने की, कुछ भी नेटवर्क कनेक्शन, कुछ भी नेटवर्क को मेजर करने की। बिट्स एक्चुअली बहुत ही छोटी टर्म होती है, और जो हमें अपनी बड़ी बड़ी फाइल्स यहाँ पे स्टोर करनी होती है, हमें कुछ भी फाइल डाउनलोड करनी होती है, तो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, तो वहां पे हम बिट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पे एक नई टर्म निकल के आती है, वो होती है बाइट्स। बाइट्स हम ऐसे कह सकते हैं, हमने एक ऐसी टर्म बनाई कि बाइट्स हम आगे भी यूज कर पाए, चाहे वो आप ऐसे कह सकते हैं किलोबाइट्स होगी, मेगाबाइट्स होगी, फिर आगे टेराबाइट्स होगी, ऐसे ऐसे करके हम आगे बाइट्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ी टर्म है। एक्चुअल में होता क्या है कि अब मैंने जैसे आपको बताया कि हम हमारा नेटवर्क कनेक्शन जो है बिट्स में होता है, हम कुछ भी फाइल डाउनलोड करते हैं वो बाइट्स में होती है। दोनों में क्या फर्क, 8 bits आप मिलाएंगे तो एक वो बाइट बनेगा। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आप जो इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, वो कंपनी जो आपको दावा कर रही है कि हम आपको यहाँ पे 40 Mbps देंगे, वो 40 Mbps नहीं है, वो 40 Mbps है, पर वो MB जो है वो स्मॉल में है, वो बिट्स है। जब यहाँ पे आपको स्मॉल MB दिखाई दे, तो आप वहां पे एकदम से आपको समझ जाना है कि ये जो है ये बिट्स की बात हो रही है, बाइट्स की बात नहीं हो रही है। जो आपको अगर 40 MB की गेम डाउनलोड करनी है, आपके पास आपके आपकी कंपनी ने बताया कि 40 Mbps का हम आपको प्लान देंगे, तो उस 40 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइट्स में 8 bit होते, तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए 8 से। 40 Mbps डिवाइडेड बाय 8, 5 Mbps। आपको सिर्फ 5 Mbps का नेटवर्क कनेक्शन दिया जा रहा है, आपको आपके पास 40 Mbps नहीं है। यहाँ पे आई होप आपको बहुत सारी जो आपके डाउट्स होते हैं मन में वो क्लियर हो गए होंगे। वाईफाई वाले भी झूठ नहीं बोलते, एक्चुअली उनके पास जो पीछे से ही उनको कंपनी देती है वही वो बताते हैं, और वो Mbps ही बोलेंगे। वहां पे आपको ये नहीं बताएंगे कि MB यहाँ पे स्मॉल है, MB यहाँ पे बाइट है, ये बिट्स मैं कह रहा हूँ, ये बाइट्स मैं आपको कह रहा हूँ। वो आपको खुद ही समझना है, और आपको खुद उस हिसाब से जो आपको आगे समझना है कि किस स्पीड क्या स्पीड का हमें इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। तो आई होप आपको मेरी यहाँ पे सारी बात समझ आ गई, जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। एक जल्दी से एक ओवरव्यू देख लेते हैं, मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूँ, पूरा रिकैप दे देता हूँ। हमें हमारा जो इंटरनेट है वो वर्क करता है Mbps, Kbps और GBPS, बहुत हाई लेवल में GBPS। यहाँ पे Mbps जो है वो Mbps और Mbps में फर्क होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ ज्यादा आपको साइंस में नहीं घुसना, आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आपको बस ये चीज समझनी है जो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी उसका वो 8 से डिवाइड करना है, और आपको जो आपके पास यूनिट निकल के आएगी, आपको पहले आप पूछ भी सकते हैं मेगाबिट्स की बात हो रही है, बाइट्स की बात हो रही है, ज्यादातर वहां पे बिट्स की बात होती है, तो आपको उसे सिंपली जो है 8 से डिवाइड करना है। 40 Mbps है, 8 से डिवाइड करो 5 Mbps का आपको नेट मिलेगा। 80 Mbps है, 8 से डिवाइड करो 10 Mbps का आपको नेट मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरी बात समझा दिया कि एक्चुअल में होता है। तो यहाँ पे आई होप आपको कुछ वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नॉलेज आपको मिली होगी। ऐसी टैक्स से रिलेटेड और भी नॉलेज देने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देगा, प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको मिलेगी लेटेस्ट टेक न्यूज सबसे पहले। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।